सब्सक्राइबर जो हैं जो हमारे टेक टीचर्स चैनल को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और हमारे हर वीडियोस को वॉच करते हैं और हमारे क्या कहते हैं हर वीडियो पे कमेंट भी करते हैं अपने बेहतरीन, और हमें अपनी क्या कहते हैं सोच से अपनी कोई भी विच से आगाह भी करते हैं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं, इस टॉपिक पे अपना कंटेंट क्रिएट करें, तो हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि हमें कंटेंट तो आपको पता है हर तरीके से मिल जाते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे कंटेंट चल रहा है वो आपके सामने की बात है, कोई भी मोबाइल उठा के कुछ भी बना देता है और आपको पता है वो वायरल हो जाता है। तो आज के दौर में, इंटरनेट के दौर में कंटेंट का आइडिया लेना कोई बड़ी और कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग कोशिश ये करते हैं कि अपने चैनल के थ्रू हम लोग वो वीडियोस को सबसे पहले बनाएं, वो वीडियो को सबसे पहले प्रीफर करें जो हमारे देखने वाले हमसे चाहते हैं, ठीक है ना, कोई एप्लीकेशन के हवाले से या कोई ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो हम कोशिश करते हैं कि हम पहले उसको टारगेट करें, उस पर रिसर्च करके हम लोग उस पर वीडियोस क्रिएट करें आप लोगों के लिए, ताकि वो आपके फ़ायदेमंद हो। फिर बाकी जो हमारी सोच होती है, हम लोग जिस हवाले से वीडियो बनाना चाहते हैं तो हम उस पर वीडियो बना देते हैं। अच्छा, तो आज मैं आपको भी आज भी एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, और क्या कहते हैं उम्मीद होगी आपको उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि हर वीडियो के अंदर आपके लिए कोई ना कोई इंपॉर्टेंस छुपी हुई होती है, अगर आप उसको देखें तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, और दूसरी बात यह कि कोशिश करें कि वीडियो जितनी भी मिनट की है आप उससे उसको पूरा वॉच करें और पूरी देखें, ताकि ये है कि आपको पूरी चीज़ उसमें समझ आए, क्योंकि हम भी अगर कभी कभी कोई आधी चीज़ देखते हैं और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, तो जब इम्प्लीमेंट करने बैठते हैं लैपटॉप में तो उसमें काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, फिर हम उसको देखना शुरू करते हैं। तो कोशिश करा करें जब आपको ये वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप उसको फ़ौरन से वॉच करें और उसमें सारे स्टेप को पूछें। हाँ, अगर आप किसी स्टेप में फंस जाते हैं तो आप उसको कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल वगैरह भी मौजूद है, तो वहाँ पर भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जहाँ पर आपको कोई मसला है तो आपकी क्यूरी को पूरा किया जाएगा, कंप्लीट किया जाएगा। तो आज मुझसे क्या कहते हैं कुछ बच्चे हैं, कुछ क्या कहते हैं हमारे टीचर्स भी हैं जो हमारे ग्रुप है, हमारी कम्युनिटी है, ठीक है, हमारे सर्स, हमारे जो स्टाफ होते हैं, टीचर्स वगैरह जो हमारे ग्रुप में होते हैं। तो आपको जैसे पता है कि अभी जब कोरोना का टाइम निकला है, तो उस कोरोना के टाइम पर बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें पहले पता नहीं थी लेकिन वो इंपॉर्टेंट हो गई थी। जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन टीचिंग का दौर बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो गया था, तो ऑनलाइन टीचिंग में होता ये था कि जब हमारे यूनिवर्सिटी के सर या कोचिंग के सर हमें कोई टास्क देते थे या कोई प्रोजेक्ट देते थे या कोई अटेंडेंस देते थे या अटेंडेंस शीट देते थे, तो आपको पता होगा वो गूगल फॉर्म के जरिए क्रिएट करके देते थे हमें, ठीक है, कि अगर कोई हमें अच्छा अगर हमें उनके कोर्स का ओवरव्यू देना है, हमें उसका कोई फीडबैक देना है, तो हमें वो गूगल फॉर्म के जरिए फॉर्म क्रिएट करके देते थे और फिर वो हमें हमारी ईमेल के जरिए वो अटैच करके हमें सेंड कर देते थे और बोलते थे कि अपना फीडबैक इस गूगल फॉर्म के अंदर फिल करके इसको सबमिट कर दें। तो मुझसे कुछ टीचर्स ये पूछ रहे थे कि जैसे आपको पता है कि जो कोचिंग वगैरह हैं या स्कूल वगैरह हैं इनका सेशन एंड हो गया, क्योंकि आपको पता है जून का महीना चल रहा है, इसमें मैट्रिक और इंटर का सेशन एंड हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े कोचिंग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब बच्चे अपना सेशन कंप्लीट कर लेते हैं 9 मैट्रिक या इंटर के बच्चे, तो उनसे वो फीडबैक लेते हैं। अच्छा, पहले फीडबैक ये होता था कि जैसे अब जब हम लोग पढ़ रहे थे 2015-16 में, तो उसमें क्या होता था, जब हम लोग किस कोचिंग से अपनी सेशन को कंप्लीट करते थे तो कोचिंग वाले हमें एंड में जाते हुए एक फॉर्म देते थे, कहते थे कि आप इसमें अपना फीडबैक दें कि आपको यहाँ पे पढ़ के किस टीचर से मज़ा आया और किस तरीके से आपको कोई इसमें बेहतरी लानी है तो आप बता सकते हैं। लेकिन आजकल आपको पता है जिस तरह डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, तो इसमें फॉर्म भी हम लोग डिजिटल तरीके से क्रिएट करेंगे, ऑनलाइन तरीके से क्रिएट करेंगे। आप लोग सब ये तो जानते होंगे कि गूगल फॉर्म किस तरीके से क्रिएट होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी भी गूगल फॉर्म के अंदर जाके गूगल फॉर्म क्रिएट करना नहीं आता। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल के अंदर जाके गूगल फॉर्म किस तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरे कुछ कोचिंग के जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, जो मेरे ही क्या कहते हैं साथ के हैं, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर सेशन का एंड हो रहा है, आप हमें ये बताएं कि गूगल फॉर्म किस तरीके से क्रिएट किया जाता है कुछ ही सेकंड में। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि लैपटॉप के अंदर हम कितनी आसानी से गूगल फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, और यही लैपटॉप वाला आपको मैं बताऊंगा कि आप मोबाइल में भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आ जाएं, चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे और ये चेक करते हैं कि गूगल फॉर्म को कितनी से और कितनी आसानी से जल्दी से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या कहते हैं लैपटॉप के अंदर किस तरीके से गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि मेरा ताल्लुक जो है कोचिंग वगैरह और स्कूल वगैरह से रहता है, तो आपको पता है ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पे अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है, कुछ बच्चों को ऑनलाइन ट्यूशन दे रहे हैं या ऑनलाइन कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो उनको ये मसला आ रहा था कि हम लोग अगर गूगल फॉर्म क्रिएट करें टीचर्स को तो वो किस तरीके से क्रिएट करें।
ठीक है, वैसे तो छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन ये है कि फिर भी किसी किसी को नहीं आता। जाहिर सी बात है, जब आप शुरू शुरू में पहली दफ़ा कोई काम करते हो तो वो आपको नहीं आता, वो आपको किसी ना किसी से सीखना पड़ता है, ठीक है ना। हमने भी वो चीज़ सीखी थी जब अपने टाइम पे, जब मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट करना सीखा था, क्योंकि आपको पता है ये कोरोना जब से आया था, कि जब से हम लोगों ने इन चीज़ों पर काम किया, वरना हमें उससे पहले पता ही नहीं था कि गूगल क्लासरूम क्या होती है, गूगल क्लासरूम में इंटर कैसे होते हैं, वहाँ पर पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, और ऑनलाइन अटेंडेंस कैसे आप लगाते हो, और गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हो, उस पर रिव्यूज़ कैसे मार्क्स करते हो, तो हम लोगों को नहीं पता था। तो हमने भी ज़ाहिर सी बात है उस टाइम सीखा, तो मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि यार इस हवाले से भी वीडियो बनाए कि गूगल फॉर्म को किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरीके से क्रिएट होता है। अच्छा, जैसे आपके सामने मैं ये डेस्कटॉप पे आ गया हूँ, आपने सिंपल क्या करना है, क्या कहते हैं, अपने गूगल क्रोम पे जाना है और गूगल फॉर्म आपने टाइप करना है सिंपल। ये आपके सामने आ रहा होगा गूगल फॉर्म क्रिएट, क्रिएट गूगल फॉर्म पे आप क्लिक कर देंगे। बहुत छोटा सा प्रोसेस है, लेकिन ये है कि इसको देखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब मैंने इसको बनाना सीखा था, आज से 1-2 साल पुरानी बात है, जब मैं बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहा था, तो मुझे भी इस चीज़ की नीड हुई थी, तो मैंने भी किसी की वीडियो देखी थी और इसको बनाया था, ठीक है। अच्छा, बहुत आसान प्रोसेस है, आप देखते रहिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा करके। अच्छा, आपके सामने ये नज़र आ रहा है अनटाइटल्ड फॉर्म। अच्छा, इस अनटाइटल्ड फॉर्म पर आप अपने कोचिंग का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपनी इंस्टीट्यूट का नाम आप लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नाम एडिट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं रख देता हूँ सर जहर कोचिंग सेंटर, ठीक है। ये करने के बाद आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन से मुराद ये होती है कि आपने ये जो फॉर्म क्रिएट किया है ये किस हवाले से है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो आप ये क्रिएट कर सकते हैं, एडमिशन के हवाले से है, या कोई क्यूरी के हवाले से है, कोई पेपर के हवाले से है, कोई क्विज़ के हवाले से है। तो यहाँ पर मैं बच्चों का क्या कहते हैं टेस्ट लिख देता हूँ, टेस्ट के हवाले से है, मंथली टेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये तो मैं आपको सैम्पल के तौर पे बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, मंथली टेस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और अपने टाइटल का फॉर्म दे दिया। अच्छा, अब इस पे आएंगे क्वेश्चन वन पे। क्वेश्चन वन पे आने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है, आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन आप लिखेंगे जैसे बच्चों से टेस्ट ले रहे हैं ना, ये टेस्ट के लिए मैं बना रहा हूँ, तो कोई भी सवाल लिख सकते हैं मैथ का, किसी भी चीज़ का। तो मैं छोटा सा आपके लिए एक सवाल टाइप कर देता हूँ कि डिफाइन केमिस्ट्री, ठीक है। डिफाइन केमिस्ट्री मैंने एक सवाल कर दिया, और उसके बाद अब मैं ये बच्चों से, अब इसमें ऑप्शन भी है कि मैं बच्चों को ऑप्शन देना चाह रहा हूँ या फिर उनसे मैं पैराग्राफ की शक्ल में लेना चाह रहा हूँ। तो मैं ऐसे में बहुत सारे ऑप्शन हैं, शॉर्ट आंसर लेना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ पूछना चाह रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस या चेक बॉक्सेस वगैरह। तो मैं शॉर्ट आंसर बच्चों से पूछना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री क्या है। सिंपल वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ, क्या कहते हैं, गवर्निंग मैटर एंड एनर्जी। तो ये वो सारी चीज़ें उसमें टाइप कर देंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आ गया। अगर आप, अच्छा इसमें रिक्वायरमेंट भी है कि अगर बच्चे ये ना दें, तो अगर आप इसको रिक्वायर्ड लगा देंगे तो रिक्वायर्ड से ये होगा कि बच्चे इस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे आपने कर दिया, उसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन के लिए आप दोबारा एड पे क्लिक कर देंगे। सेकंड क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, डिफाइन मैटर विद एग्जाम्पल। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन आ गया। इसमें भी वो पूछ रहे हैं कि आप मल्टीपल चॉइस रखना चाहते हैं या शॉर्ट आंसर, तो मैंने शॉर्ट आंसर लिख दिया, ठीक है। इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। रिक्वायर्ड का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि जब तक आप इस रिक्वायर्ड के ऑप्शन को क्या कहते हैं इनेबल नहीं करेंगे, तो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आगे बढ़ भी जाएंगे तो उनको फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑप्शन देगा कि आपका भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन रह गया। तो दोनों क्वेश्चन मैंने रिक्वायर्ड आपके सामने लगा दिए। अच्छा, ये दो मैंने आपके लिए समझाने के लिए कर दिया। अच्छा, आप इसका रिव्यू देखना चाहते हैं, प्रीव्यू देखने के लिए आप इस आई बटन पर क्लिक करेंगे और आपको ये पता चल जाएगा कि आपने जो भी फॉर्म क्रिएट किया है 2-3 मिनट में, तो वो कैसा आ रहा है। तो इस तरीके का फॉर्म आएगा कि आपके कोचिंग के टाइटल का नाम आ जाएगा, ठीक है, और आपका ये वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि सर उनसे लेके आ रहे हैं, रिक्वायर्ड क्वेश्चन हैं सारे, ये मैंने सवाल उनसे किए हुए, वो यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे करने का दोबारा मैं अपने फॉर्म पे जाऊँगा। अब इसका ज़रा मैं बैकग्राउंड वगैरह लुक चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लुक आ जाए। तो आप इस पे कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शन आ जाएंगी कि हेडर पे आप कौन सी फाइल देना, हेडर पे आप कौन सी इमेज लगाना चाह रहे हैं। हेडर क्या होता है, ये जो आप नज़र आ रहा है आपको कि मेरा नाम लिखा हुआ है कोचिंग का, तो इसमें कौन सी इमेज उनको नज़र आए। तो मैं चूज़ इमेज पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास हेडर इमेजेस आ जाएंगी जो बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के फॉर्म के अंदर होती हैं, मौजूद होती हैं, तो वो मेरे पास आ जाएंगी और उसको मैं क्या कहते हैं सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे हेडर पे शो होंगे।
पेजेस खुल जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि हेडर इमेजेस अपलोड हो रही थी, अभी अपलोड हो गई है। हेडर इमेज कहाँ पे शो होंगी वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, हेडर इमेज के लिए आप कोई भी क्या कहते हैं इमेज को लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर ये लगा देता हूँ, अच्छा ये मैंने हेडर इमेज पे लगा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपका थीम कलर कौन सा होना चाहिए, तो आप कोई भी ये देख लें, हेडर इमेज मेरे पास आ गई है, कोई भी थीम कलर आप चूज़ कर सकते हैं, ये मैंने ये लिया। अच्छा, वो कह रहे हैं कि बैकग्राउंड कलर कौन सा होना चाहिए, पूरा वाइट होना चाहिए, तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, या अपनी मर्जी से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो आपसे कह रहे हैं कि फॉन्ट कैसा होना चाहिए, तो फॉन्ट मैं यहाँ पर फॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ, प्लेफुल भी अच्छा लग रहा है। तो ये आपके सामने मेरा गूगल फॉर्म क्रिएट हो गया है, ठीक है ना। आप चेक कर लें, अगर आप इसका प्रीव्यू देखना चाह रहे हैं तो प्रीव्यू आप चेक कर लें, आपके सामने ये देख लें, ये कितना अच्छा फॉन्ट बेहतरीन आ रहा है। इसका हेडर इमेज चेक कर लें, तो ये बेहतरीन तरीके से आप बच्चों को आप भेज सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिस्पॉन्सेज हैं। रिस्पॉन्सेज का मतलब ये है कि जो भी बच्चे इसको फिल आउट करेंगे, पेपर को सबमिट करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे रिस्पॉन्सेज शो हो जाएंगे कि आपके पास क्लास में 10 बच्चे थे, 20 बच्चे थे, तो अभी तक कितने बच्चों ने आपका ये पेपर अटैम्प्ट कर लिया है, तो आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा और बच्चों के आंसर आ जाएंगे, और बाकी आप यहाँ से बच्चों को सेंड कर देंगे। सेंड आप इसको वीआ ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर बच्चों को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, किसी के भी जरिए आप बच्चों को मेल कर सकते हैं कि वो आपका पेपर या टेस्ट को अटैम्प्ट कर लें। तो ये आपका बहुत आसान तरीका था गूगल फॉर्म क्रिएट करने का। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई शिकायत हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि कैसे गूगल फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करिएगा और अपने कमेंट से हमें लाजमी आगाह करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।